हेलो बच्चों, हेलो टू ऑल। लास्ट टाइम पे अपन ने सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का थर्ड पार्ट अपन ने कंप्लीट किया। आज अपन फोर्थ पार्ट लेके शुरू करते हैं, ठीक है। लास्ट टाइम पे आप लोगों मैंने एटम मास, डेंसिटी, बेसिक फंडामेंटल टर्म्स को मैंने, टेम्परेचर के कन्वर्जन्स को, यूनिट एंड मेजरमेंट की बात मैंने लास्ट टाइम पे आप लोगों के साथ की थी। आज अपन बात करेंगे कि जो बेसिक लॉज हैं कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, वो सारे लॉज आपको आज समझाए जाएंगे और उनसे रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं वो आप लोगों को अच्छे से स्लोली स्लोली एक्सप्लेन की जाएगी। तो ध्यान से सुनिए और ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला जो लॉ आता है इस सीक्वेंस में, सबसे पहला आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इंपॉर्टेंट लॉ है, स्टेटमेंट मैंने आप लोगों के लिए सामने लिखा है। इन फिजिकल और केमिकल चेंज टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। ये भी ऐसा सेम है, सेम एज इट इज बुक्स में इस तरीके से भी दे रखा है। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी फिजिकल चेंज। किसी भी फिजिकल चेंज के दौरान मैटर ना तो बना सकते हैं ना खत्म कर सकते हैं, एक दूसरे फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले पहले वाले शीट में दोनों सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या? सबसे पहले वाले को देखो, अब H2O है, ये लिक्विड फॉर्म में है या आइस फॉर्म में, सपोज किस फॉर्म में है? आइस फॉर्म में। जब मैंने इसको हीट किया तो किस में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है कि जितना मास यहाँ पर था, सपोज 1 kg मैंने लिया, तो बाद में भी 1 kg ही रहा, वो ये नहीं कहीं चला गया। तो फिजिकल और केमिकल चेंज, क्या डेफिनेशन क्या बोलती है? फिजिकल एंड केमिकल चेंज टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। जितना इसका मास था उतना ही इसका मास रहता है, वो कभी भी ऐसे नहीं कि गायब हो गया, कहीं चला गया, ऐसा कोई लॉजिक नहीं होता है। ऐसा कोई भी लॉजिक, कहीं भी कोई भी ऐसा लॉजिक आप लोगों का एग्जिस्ट नहीं करता है। ये वाली बात क्लियर है? ठीक है, ये वाली बात क्लियर होगी। ये एग्जांपल मैंने आप लोगों को समझा दिया। मैटर भी नाइदर भी क्रिएटेड नॉर भी डिस्ट्रॉयड किसी भी रिएक्शन के अंदर, कैसे? बेसिक एग्जांपल ले लो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो कार्बन का सपोज अपन एटॉमिक मास जो लेते हैं 12 लेते हैं, ये आप लोगों ने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा है। फिर ऑक्सीजन का लेते हैं 32, 16 प्लस 16 32, तो जो होता है वो हमेशा 44 आएगा। जितना ये था, अगर वेट वाइज लेंगे तो वेट वाइज जितना ये था उतनी ही क्वांटिटी में, सपोज दोनों टोटल जो है हमेशा यही आएगा, देख लो 32 प्लस 12 44, तो वो हमेशा उसी फॉर्म में कंजर्व रहता है, कहीं भी किसी भी चीज़ से वो जा नहीं सकता। मैटर को ना तो बना सकते हैं ना ख़त्म कर सकते हैं, उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, देखो आइस से लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया। ये दोनों एक ही बात है, दोनों में से कोई सा भी एक स्टेटमेंट लिख दो, बेसिक एग्जांपल लिख दो, दैट्स इट। आप लोगों के एग्जाम में इसमें डायरेक्टली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक्सप्लेन करो। नोट कर लो ये वाली बात, स्टेटमेंट मैंने सामने लिख दिया है, ठीक है। आगे नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ध्यान से सुनते जाना, सीक्वेंस में चलेगा। नेक्स्ट लॉ जो आता है आप लोगों का, क्या आता है? डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ONS स्पेलिंग इसका, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इसका स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूँ, क्या? कंपाउंड ऑलवेज कंटेन, लिख रहा हूँ कंपाउंड, लिख लो कंपाउंड ऑलवेज कंटेन, ऑलवेज कंटेन सेम इलेक्ट्रॉन्स, सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रपोर्शन बाय बायस।
इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास। ये आप लोगों का लॉ है। स्टेटमेंट देखो, स्टेटमेंट बेटा आप लोगों को ऐसे के ऐसे ही लिखना पड़ेगा, एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, वहीं से मैंने प्रेफर किया है। जहाँ स्टेटमेंट्स और इजी हो पाएंगे मैं वही प्रेफर करने वाला हूँ आप लोगों को। कंपाउंड्स ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास। कैसे? H2O का एग्जाम्पल ले लो, H2O का अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो देखो H2O की अगर बात की जाए तो ये जो होता है ये 2 होता है हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का तो 16, ये 1:8 प्रोपोर्शन। अब इसने बोला डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब पानी जो है वो सॉल्ट वाटर ले ले, प्योर वाटर ले ले, रेन वाटर ले ले, किसी भी तरह का पानी अगर दुनिया में अपन कंसीडर कर रहे हैं जिसका फॉर्मूला H2O है तो वो 1:8 के रेशियो में ही कंबाइन होगा। अपना क्या है? डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास, कि हमेशा एक फिक्स प्रोपोर्शन, मास के एक फिक्स प्रोपोर्शन में ये ऐड होते हैं। अब ये जनरली कोई सा भी वाटर हो सकता है, टैप वाटर, क्या सॉल्ट वाटर, पर वाटर जब भी जहां भी आएगा वो इसी रेशो में होगा। अगर वो किसी और रेशो में है तो वो वाटर की बात नहीं कर रहा है। इसलिए इसका जो हेडिंग है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस बाय मास, कि हमेशा एक फिक्स प्रोपोर्शन, मास के फिक्स प्रोपोर्शन में ये ऐड होते हैं। मास के क्या होते हैं? एक फिक्स प्रोपोर्शन में ये क्या होते हैं? ऐड होते हैं। नोट कर लो, ये वाला एग्जाम्पल सबसे स्टैंडर्ड है, बेसिक एग्जाम्पल। जहाँ CO2 की बात करेंगे वो हमेशा भाई CO2 ले रहा हूँ, ठीक है, रेशो मेल में लिख रहा हूँ। CO2 देखो 12 और ये होता है 32, ये 4 3 और 4 8। अब जहाँ भी CO2 होगा वो हमेशा इसी रेशो में ऐड होगा। दुनिया में कहीं भी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होगा, भले वो पॉल्यूशन जो है तुम्हारा वुड के बर्न से निकल रहा हो, भले आपके इंडस्ट्री से निकल रहा हो, भले आपके कार से निकल रहा हो, जहां भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमेशा इसी रेशो में ऐड होगी, कि एक फिक्स प्रपोर्शन, मास के फिक्स प्रपोर्शन में वो ऐड होते हैं। नोट कर लो, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन बाय मास, ठीक है। नेक्स्ट, ये बहुत बेसिक एग्जांपल्स आप लोगों को समझा रहा हूं, सबसे इजी एग्जांपल्स। नेक्स्ट, ये लॉ कोई भी कंपाउंड कैसे बनता है, कैसे रिएक्शन होती है, वो सारी चीजें आप लोगों को एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, ठीक है। स्टेटमेंट बोल दूं एक बार, लिख देता हूं, चलो अभी तुम। इफ टू एलिमेंट्स, इफ टू एलिमेंट्स कैन, एनसीईआरटी की बुक से प्रेफर किया है, हेडिंग नंबर 1.5.3, कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, मोर देन वन कंपाउंड, द मासेस ऑफ वन एलिमेंट। द मासेस स्टेटमेंट बेटा आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, हाँ, मासेस ऑफ वन एलिमेंट That combine, एग्जाम में स्टेटमेंट आप लोगों को लर्न करने पड़ेंगे, with a fixed mass of other element are in the ratio of whole number। स्टेटमेंट नोट कर लो पहले, फिर इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। स्टेटमेंट नोट किया,
ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं क्या, H2O एंड H2O2, दो एग्जाम्पल लिए H2O एंड H2O2, ठीक है, देखो सॉरी वाटर, इसे बोलते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड, क्या बोलते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड, किस रेशो में दिख रहा है आप लोगों को, वाटर में क्या होता है भाई 2 और 16, और इसमें क्या होता है 2 और 32, ठीक है, ये वाली बात क्लियर है। अब इन दोनों का जो रेशो है क्या, ये अपन ने H और O का रेशो लिया है, तो देखो इनका होल नंबर कैसे निकालेंगे, कैसे H2O2 में H रेशो O इन H2O2 और H रेशो O इन H2O करके देख लेते हैं। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 2, ठीक है, रेशो मतलब अपॉन में, रेशो का मतलब ले लेना अपॉन में, तो 2 रेशो, उल्टा लिखा गया अपने, उल्टा लिखा है रेशो इन H2O एंड यहाँ पे H2O2 लिख लो, ठीक है। तो देखो इसको क्या करेंगे, ये हो जाएगा 2/16 विच इज 1:8 और ये हो जाएगा 2/32, ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएगी और जो फाइनल आंसर जो आएगा आप लोगों का क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा, ओह सॉरी 32 नहीं 2 आ जाएगा, इन दोनों को रेशो कैंसिल, 1:8 1:16 कैंसिल करोगे, ये वाली टर्म ऊपर आ जाएगी, आप लोगों का क्या आ जाएगा 2। देखो स्टेटमेंट, इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म वन कंपाउंड द मासेस ऑफ अदर एलिमेंट कंबाइन विद अ फिक्स, कि एक का मास फिक्स रखा गया, किसका फिक्स रखा गया, हाइड्रोजन का फिक्स रखा गया, देखो फिक्स रखा, दो एच टू मॉलिक्यूल से, दो एच टू मॉलिक्यूल से, एक डिफरेंट से और एक डिफरेंट मास से कंबाइन हो रहा है, तो एलिमेंट आर इन द रेशो ऑफ होल नंबर, कि इनका जो रेशो लेंगे तो एक होल नंबर आएगा। दोबारा देख लो, इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म वन कंपाउंड द मासेज ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विद अ फिक्स मास, फिक्स मास किसका है, हाइड्रोजन का, देखो ऑक्सीजन का वेरिएबल है, ऑक्सीजन का वेरिएबल है, अगर एक फिक्स मास से दूसरे के अदर डिफरेंट मासेस से इस रेशो में ऐड हो रहा है तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, होल नंबर में होते हैं, इनके दोनों को रेशो ले लिया, होल नंबर आ गया, इसको सॉल्व कर लिया, कहानी खत्म। आप लोगों की बुक्स में भी एग्जाम्पल दे रखा है, सिंपल सा स्टेटमेंट है, लिख लो, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, नोट कर लिया, आराम से नोट कर लो बच्चों। आगे देखो बच्चों, गे-लुशेक्स लॉ और एवोगाड्रो लॉ, ये दोनों लॉ जो है वो एक ही आपस में रिलेट करते हैं, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आप लोग की बुक्स में इसकी हेडिंग अलग अलग दे रखी है, लेकिन उससे अपना कोई रिलेशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले जो आता है वो आता है गे-लुशेक्स लॉ। गे-लुशेक्स लॉ का स्टेटमेंट जो है, व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस इन अ केमिकल रिएक्शन, दे डू सो इन अ सिंपल रेशो बाय वॉल्यूम, कि जब गैसेस आपस में कंबाइन होती है, गे-लुशेक जो गैस के रिस्पेक्ट में सारा फंडा दिया था, ठीक है, कि जब गैसेस कंबाइन होती है तो वो आपस में सिंपल होल नंबर, देखो वॉल्यूम के एक फिक्स रेशो में ऐड होती है, जैसे मैंने 100 ml वॉल्यूम में लिया, ये 50 ml लिया, तो हमेशा 100 ml ही प्रोड्यूस होगा, इसको ना बोल के इसको बोला वॉल्यूम, वॉल्यूम बोले तो ये देखो ये दो है, दो वॉल्यूम, ये वन वॉल्यूम है, तो हमेशा दो वॉल्यूम ही प्रोड्यूस होगा विद द रिस्पेक्ट ऑफ गैस, ये तुम्हारा गे-लुशेक लॉ था, कि व्हेन गैसेस कंबाइन और प्रोड्यूस इन अ केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन अ सिंपल रेशो बाय वॉल्यूम, कि सिंपल रेशो जो रहता है वो वॉल्यूम का रहता है, ये वाली चीज क्लियर है, कि हमेशा देखो जब भी मैं हाइड्रोजन कंबाइन करूंगा तो ये 2 ही रहेगा इसका वॉल्यूम, ये हमेशा 1 रहेगा वॉल्यूम, यार जिस रेशो में वो ऐड हो रहा है 2 वॉल्यूम तुम्हारा प्रोड्यूस होगा। अब एवोगाड्रो ने क्या किया, इसको थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन किया, इसे रब कर दूं, स्टेटमेंट क्लियर है, ये वाली बात को उसने कैसे एक्सप्लेन किया देखो, ठीक है, अब उसने थोड़ा दिमाग लगाया और बहुत सही दिमाग लगाया, जिसकी वजह से आज गे-लुशेक लॉ का कम नाम है और एवोगाड्रो का ज्यादा नाम है,
मतलब नकल में भी अकल की जरूरत होती, तुमने ये डायलॉग सुना होगा, तो एग्जैक्टली उसने ये किया। अब एवोगैड्रो लॉ ने क्या किया, वॉल्यूम को कैसे रिलेट किया, वॉल्यूम को रिलेट किया, ये बुक में नहीं दे रखा, मैं तुम्हें सिर्फ समझा रहा हूँ। उसने बोला कि वॉल्यूम जो रहता है वो डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स को उसने एक्सप्लेन भी किया, या फिर एन ऑफ एन नॉट या एन ए के प्रोपोर्शनल रहता है। वॉल्यूम जो रहता है एन नंबर ऑफ मोल्स के प्रोपोर्शन रहता है या एन ऑफ एन ए के प्रोपोर्शन रहता है। अब मैं पहले एवोगैड्रो लॉ लिखूंगा, फिर अपन इस चीज को रिलेट करेंगे कैसे, ठीक है। एवोगैड्रो लॉ क्या था, क्या उसने बोला, इक्वल वॉल्यूम्स, एवोगैड्रो लॉ, हेडिंग डाल लो एवोगैड्रो लॉ। फिर उसने अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया और अपना नाम कमा लिया, आज उससे ज्यादा जो है गे-लुशर से जो है एवोगैड्रो का नाम है। स्टेटमेंट क्या था, इक्वल वॉल्यूम्स, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस, इक्वल वॉल्यूम्स ऑल गैसेस अंडर द सेम कंडीशन, अंडर द सेम कंडीशंस, अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स या ब्रैकेट में लिख लेना मोल। यहां से तुम्हारा मोल बहुत बड़ा इस गणित चालू हुआ, इससे तुम्हारा मोल कॉन्सेप्ट की शुरुआत होती है, मोल की शुरुआत होती है, इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम्स और एक सेकेंड इसने और क्या बोला है, ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ मोल, ब्रैकेट में मोल लिख लेना। देखो कैसे अपन ने रिएक्शन जो लिखी थी वो लिखी थी 2H2 प्लस O2, प्रोडक्ट में आप लोगों का आ गया था 2H2। यहाँ पे मैंने लिखा था दो वॉल्यूम, ठीक है, इसको लिखा था वन वॉल्यूम और इसको मैंने लिखा था टू वॉल्यूम्स, ठीक है, टू वॉल्यूम वन वॉल्यूम। अब इसने क्या किया, वॉल्यूम को वर्ड ना इस्तेमाल करके एवोगैड्रो ने एक नया वर्ड इस्तेमाल किया जिसे बोला गया नंबर ऑफ मोल्स। क्या बोला गया, नंबर ऑफ मोल्स बोला, क्या बोला गया, नंबर ऑफ मोल्स। मतलब उसने क्या बोला कि ये वॉल्यूम ना बोल के ऐसे बोल दिया मोल, टू मोल, वन मोल और टू मोल। मैं तुम्हें लास्ट लेक्चर में बोल रहा था कि तुम्हें मोल वापस से रिपीट होने वाला है। मोल क्या कि किसी भी रिएक्शन को अब ह्यूमन फॉर्म में अपन कैसे लिख रहे हैं भाई, जनरली अपन ऐसे ही लिखते हैं रिएक्शन। अब इससे क्या समझ में आता है, एक मोल बोले तो उसने एक मोल को डिफाइन कर दिया कि एक मोल की जो वैल्यू होती है, वन मोल इक्वल्स टू कितना होता है, 6.023 × 10⁻²³ मॉलिक्यूल्स एटम्स और आयंस। जब भी मैं एक मोल की बात, जैसे अब तुम बोलते हो 1 लीटर वाटर, तो 1 लीटर वाटर की क्वांटिटी भी फिक्स रहती है, 1 लीटर मिल्क की क्वांटिटी भी फिक्स रहती है, 1 लीटर पेट्रोल की क्वांटिटी भी फिक्स रहती है। तो लीटर को मैंने डिफाइन कर दिया कि लीटर इतना होगा, सपोज एक बॉटल जितना बोल दिया कि ये एक बॉटल जितना जो है 1 लीटर है, तो वैसे ही इसने एक मोल को डिफाइन कर दिया कि जब भी मैं एक मोल की बात कर रहा हूं, वॉल्यूम ना बोल के इसको क्या बोल दिया, मोल। मोल हमेशा आगे रिएक्शन में इस तरीके से आगे की तरफ लिखे होते हैं, ठीक है। तो उसने एक मोल को डिफाइन किया, जब भी मैं एक मोल की बात कर रहा हूं उसमें 6.023 × 10⁻²³ आइदर मॉलिक्यूल्स या एटम या आयंस। स्टार्टिंग में मैंने मॉलिक्यूल एटम और आयन को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया था कि इतनी क्वांटिटी, इसको डिफाइन कर दिया ये जो होता है वो एन ए के बराबर होता है, विच इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। और इसका वॉल्यूम भी आप लोगों की बुक में नहीं दे रखा, लेकिन लिख लो, 1 मोल का वॉल्यूम कैसे बताया गया, 22.4 लीटर। कि जब भी मैं बात करूंगा 1 मोल की, उसमें हमेशा इतने मॉलिक्यूल्स अवेलेबल रहेंगे, उनका वॉल्यूम जो है हमेशा 22.4 लीटर ही रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता। इस तरीके से उसने अपना, देखो अब स्टेटमेंट देखो, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर द सेम कंडीशन टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, क्या मोल ना बोल के इसको क्या बोल देंगे, मॉलिक्यूल्स।
मॉलिक्यूल्स बोले तो 2 into Na, 1 into Na, 2 into Na. इसने क्या किया, जैसे अपन ने केजी को डिफाइन कर दिया था कि केजी हमेशा इतना ही होगा, एनए के मतलब क्या हो गया, 2 into 6.023 into 10 raised to power 23. इसके बाद बात करेंगे 6.023 into 10 raised to power 23, क्योंकि एक ही दे रखा है तो 1 into, फिर 2 into 6.023 into 10 raised to power 23. अच्छा, बुक्स में 6.022 दे रखा है, वो भी सही है, 6.023 भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसका राउंड फिगर करके मैंने यहाँ पे लिखा है 6.022, क्योंकि डेसिमल के आगे कैलकुलेशन में जनरली दो डिजिट कंसीडर करते हैं, तो दोनों से सही आंसर आएगा, अप्रॉक्स में पॉइंट थर्ड डिजिट में चेंज आता है, इट विल बी कंसीडर, ठीक है। तो उसने क्या किया, एक मोल को डिफाइन कर दिया, वॉल्यूम ना वर्ड लेके उसने क्या किया, एक मोल, और मोल को अच्छे से डिफाइन किया विद द रिस्पेक्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखो इसमें जब भी मैं ऐसे रिएक्शन लिख रहा हूँ, इसमें इतने मॉलिक्यूल्स हैं, 2 into इतने मॉलिक्यूल्स, इसमें 1 molecule इतना प्रोड्यूसर है, और 2 into इतने मॉलिक्यूल्स जो है आपके बाय प्रोडक्ट जो है वाटर के निकल रहे हैं। तो इसने क्या किया, इस तरीके से इसको डिफाइन कर दिया अच्छे से कि हाँ ये फंडा एग्जैक्टली सही है, जिसका वॉल्यूम भी उसने आप लोगों की बुक्स में नहीं दे रखा, लेकिन लिख लो कि इसका वॉल्यूम जो है 22.4। अब जब भी मैं एक मोल की बात कर रहा हूँ, बार बार ध्यान रखना, ये कम से कम अगर केमिस्ट्री में 30 चैप्टर है तो उसमें से 20 चैप्टर में आप लोगों के मोल वर्ड आने वाला है। मोल मतलब हमेशा इतने मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल बोलूंगा तो भी ये रहेगा। अच्छा, H2 इज अ मॉलिक्यूल, ठीक है, H इज अ एटम, अब मैं 1 mole बोलूंगा तो ये मॉलिक्यूल फॉर्म में रहेगा और ये जो रहेगा एटम फॉर्म में रहेगा। भाई मैं 1 liter बोलता हूं तो वो वाटर के रिस्पेक्ट में पानी रहता है और मिल्क के रिस्पेक्ट में मिल्क रहता है, लेकिन 1 liter की क्वांटिटी फिक्स कर दी। वैसे ही मैंने 1 mole को डिफाइन कर दिया कि 1 mole एटम बोले तो हाइड्रोजन सिंगल एटम, और 1 mole मॉलिक्यूल बोले तो 6.023 into 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल्स, और आयन बोले तो H+ और H-, तो क्वांटिटी सेम रहेगी, आयन अलग चीज होती है, एटम अलग चीज होती है और मॉलिक्यूल अलग चीज है, लेकिन तीनों की क्वांटिटी जो है अगर जब भी मैं 1 mole बोल रहा हूँ वो फिक्स है, जिसका वॉल्यूम भी फिक्स बताया गया, एक्सपेरिमेंटल बता दे तो वो एक्सपेरिमेंटल अगर अपन एक्सप्लेन करने लगे तो बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा, और उसका कोई एक्सप्लेनेशन किसी भी रेफरेंस बुक में नहीं दे रखा है, तो आपको बस 1 mole की वैल्यू है। भाई 1 kg का भी एक्सप्लेनेशन बहुत लेंदी है, दे रखा है आप लोगों के स्टार्टिंग में, लेकिन आप लोगों को लर्न नहीं करना, आपको सिर्फ समझना है कि ये क्वांटिटी आप लोगों को गिवन है, क्लियर है, नोट कर लो, अच्छे से नोट कर लो, ये बहुत बड़ा लॉ है एवोगैड्रो लॉ। ये किसे, गे लुशक लॉ से कैसे रिलेट करता है, वहां मैंने समझा दिया, अगर सिर्फ गे लुशक एवोगैड्रो लॉ बोले तो ये लिख के एक्सप्लेन कर दो, और आपको गे लुशक लॉ मैंने अलग से लिखवाया है, ठीक है, बट दोनों आपस में कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं। लास्ट टॉपिक है आज के लेक्चर का, डेल्टन्स एटॉमिक थियरी, ये आप लोगों ने लोअर स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, काफी चीजें जो है आज का फर्स्ट चैप्टर जो भी अपन पढ़ रहे हैं ना वो लोअर स्टैंडर्ड में काफी चीजें आप लोगों ने पढ़ी होगी। नेक्स्ट हेडिंग है आप लोगों की डेल्टन एटॉमिक थियरी, इसके कुछ पॉइंट्स हैं, मैं आप लोगों को वही लिखवाने वाला हूं। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, डेल्टन एटॉमिक, देखो क्लास के वीडियो को अच्छे से ध्यान दो, उसके नोट्स बनाओ, क्योंकि देखो अभी तुम 11th में आए हो तो थोड़ा सा बुक की लैंग्वेज को समझने में दिक्कत आती है, क्लास नोट्स के बाद अगर तुम बुक की लैंग्वेज प्रेफर करोगे तो आई गारंटी तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहला देखो, डेल्टन ने अलग अलग चीज़ें बताई, सबसे पहला उन्होंने पहला पॉइंट मैं लिख रहा हूँ, फर्स्ट पॉइंट, मैटर कंसिस्ट इंडिविजुअल एटम, मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजिबल, सॉरी DIVI क्या, मैंने तुम्हें बोला दुनिया का सबसे छोटा पार्ट मैटर का क्या बोल दिया, एटम बोल दिया, देखो वही है, मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजिबल एटम्स, ये छोटे छोटे एटम से मिलकर बना हुआ है, दुनिया का सबसे छोटा पार्ट जो है मैटर का वो क्या है, आप लोगों का एटम है। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, फिर मैं इसका एक ड्रॉबैक भी है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट है, ऑल द एटम गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज, ऑल द एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है फिर भी मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं, ऑल द एटम्स ऑफ
अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज। वैसे नेक्स्ट टाइम से मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग, मैं स्टेटमेंट बोलूंगा आप लोग लिख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। इंक्लूडिंग द आइडेंटिकल मासेस, आइडेंटिकल मासेस और इसी में दे रखा है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मासेस। देखो कैसे, ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मासेस। भाई हाइड्रोजन की जब भी मैं बात कर रहा हूं, या मैं बात कर लूं ऑक्सीजन की, तो वो दुनिया में कहीं भी ऑक्सीजन हो, वो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो है वो सेम रहेगा और इसका मास नंबर भी जो है वो सेम रहेगा। अब ये नहीं कि ऑक्सीजन अलग है, ये ऑक्सीजन अलग है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में सिर्फ ऑक्सीजन की। उसने क्या बोला, स्टेटमेंट क्या बोलता है, ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टी, कि जब भी मैं ऑक्सीजन के एलिमेंट की बात कर रहा हूं तो वो पूरी दुनिया में सेम है। ये नहीं यहां जाके कुछ और हो गया, लंदन जाके कुछ और हो गया, स्पेस में जाके कुछ हो गया। ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन, इसका एटॉमिक नंबर 8 रहा, एटॉमिक मास 16 रहा। और अगर वो डिफरेंट है, मैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में कंपेयर कर रहा हूँ, देखो एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट है, डिफरेंट मासेस, क्या हो जाएगा डिफरेंट एलिमेंट का क्या हो जाएगा, डिफरेंट मासेस। अब इसका और इसका कभी भी सेम नहीं हो सकता, इंडिविजुअल का पूरी दुनिया में ऑक्सीजन का सेम ही रहेगा, लेकिन इन दोनों को कंपेयर करें तो कभी भी इन दोनों का सेम नहीं हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना। नोट कर लो, नोट किया, ओके नेक्स्ट पॉइंट ऊपर लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए क्या मेरे लिए कंफर्टेबल रहता है। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, क्या कंपाउंड आर फॉर्म्ड कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड when atoms of different element combine in fixed ratio। क्या भाई H2O का ले लो, कंपाउंड्स ऑफ अ फॉर्म व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन फिक्स रेशियो। देखो फिक्स रेशियो में 1:8 के रेशियो में ऐड हो रहे हैं, अपन ने ये वाला एग्जांपल 50 बार किया, तो एक कंपाउंड आप लोगों का फॉर्म होता है। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट है फोर्थ, क्या केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम, chemicals involving reorganization of atoms। They are neither created nor destroyed। In chemical reaction। क्या बोला, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स, दे आर नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। फॉर एग्जाम्पल 2H2 + O2, तुम्हारा क्या बन गया 2H2,
तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, रीऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हुआ और यहाँ पे नया बॉन्ड बना, रीऑर्गेनाइजेशन होता है आप लोगों का, ठीक है। बट इसमें ये नहीं कि यहाँ पे हाइड्रोजन देखो जितने थे उतने ही हैं, फोर हाइड्रोजन थे यहाँ पे, फोर ऑक्सीजन दो थे, ऑक्सीजन भी दो ही है, तो ना तो उसे बना सकते हैं ना उसे फॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था, वो ये नहीं बता पाया कि ये दोनों आपस में कंबाइन क्यों करते हैं। भाई ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, बाय दे आर मेकिंग अ बॉन्ड, भाई जब स्टेबल है तो क्या जरूरत है। तो ये नहीं बता पाया कि ये दोनों आपस में कंबाइन क्यों करते हैं, इसका नीचे लॉजिक क्या है, इसके पीछे क्या रीजन। तो ये आप लोगों का मैंने आज कहा ये इंपॉर्टेंट है, इन चारों पांचों टॉपिक में से एक टू मार्क का क्वेश्चन तुम्हारे आएगा ही आएगा स्कूल एग्जाम में, मान के चलो। क्लियरली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है, एवोगैड्रो लॉ और गेलुशेक लॉ, डेल्टन एटॉमिक थियरी, ये सारा क्वेश्चन जो है फिक्स है। आप लोगों को ये स्टेटमेंट्स याद करने हैं, मैंने आपको डिटेल में समझा दिया, नोट्स मुझे टाइम से कंप्लीट चाहिए। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, थैंक यू फ्रॉम माई साइड बच्चों, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।